आई किस किस का वेक्टर सम है। आप देखेंगे यहाँ पर केसीएल अप्लाई करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस चीज़ों को समझने का प्रयास करें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। आई किस किस का वेक्टर सम है, तो आप कहेंगे कि आईएल और आईआर का वेक्टर सम है। अब देखिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता, तो वोल्टेज हमारा सेम रहने वाला है। तो आपने देखा है कि वोल्टेज, यही वोल्टेज वी यहाँ पर अप्लाई होगा इंडक्टेंस के अक्रॉस, यही वोल्टेज वी हमारा रजिस्टर के अक्रॉस में अप्लाई होगा। तो देखिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, तो ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इसी को फॉलो करें, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा होगा, फेजर डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी कि पैरेलल सर्किट में आप वोल्टेज को रेफरेंस पे लीजिए। तो हमने देखा कि वोल्टेज को हमने यहाँ 0 डिग्री रेफरेंस, ये मेथड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार आप एसी जो हमने सीरीज सर्किट पढ़ी है या एसी एनालिसिस पढ़ी है, उन वीडियोस पर जाएं, उनको भी आप देखिए, तो आपको यहाँ ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ हम लोगों ने वोल्टेज वी को रेफरेंस पर ले लिया। अब हमें ये पता है कि करंट आईआर और आईएल का वेक्टर सम हम लोगों को आई देगा, यानी कि टोटल सप्लाई करंट आई देने वाला है। तो देखिए आईआर किसके क्रॉस में करंट है, ये देखिए आईआर रजिस्टर के क्रॉस में करंट है। तो जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट होगा। तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर ये आईआर उसी दिशा में यहाँ पर है, क्लियर। अब देखिए आईआर में क्या जोड़ना है, आईएल जोड़ना है। आईएल किसके क्रॉस में करंट है, आप कहेंगे इंडक्टेंस के क्रॉस में करंट है। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस में करंट हमारा 90 डिग्री लैग करता है, तो यहाँ से 90 डिग्री लैग करते हुए यहाँ पर बनाया हम लोगों ने आईएल। अब देखिए वेक्टर सम कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा टोटल करंट आई, और यहाँ इसको मार्क कर दिया हमने पावर फैक्टर एंगल फाई। तो आप आसानी से आरएल पैरेलल आरएल सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन सीरीज आरएल या सीरीज आरसी या सीरीज सर्किट की बात करें या फिर पैरेलल सर्किट की बात करें, देखिए पूरे फेजर डायग्राम बनाने की कहानी यहीं पर है, फेजर डायग्राम की जड़ें यहीं पर है। तो आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल दिया है कि ये कोई रजिस्टेंस है, ये कोई इंडक्टेंस है, यहाँ पर आपको करंट बताना है, ये 3 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है, मैंने ऐसे रफली ले लिया। तो देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, यानी कि I बराबर 3+4। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर बैठते हैं कि 4 और 3 7 आंसर बता देते हैं, लेकिन 7 उत्तर नहीं है। आप क्या करें, इसके लिए वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम बनाइए 0 डिग्री रेफरेंस। तो हमने अभी सीखा है पैरेलल में वोल्टेज को रेफरेंस पर मानिए। ये देखिए ये किसके क्रॉस में करंट है, रजिस्टर के क्रॉस में, तो हम मार्क करेंगे यहाँ पर 4 एम्पियर। ये किसके क्रॉस में करंट है, इंडक्टेंस के क्रॉस में, तो हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर 3 एम्पियर। तो टोटल करंट आई कितना मिल जाएगा, 5 एम्पियर। तो आई बराबर कितना मिलेगा, 5 एम्पियर। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम। तो ये कुछ एक बेसिक्स हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यदि बचना चाहते हैं तो आपके पास में एक ही रास्ता है, वेक्टर डायग्राम बनाइए। और हम पूरी के पूरी मशीन या पूरे के पूरे पावर सिस्टम में हम कभी बचेंगे नहीं कि हम लोग चलिए स्किप कर देते हैं फेजर डायग्राम है। जैसे ट्रांसफॉर्मर का नो लोड फुल लोड, फुल लोड वाले को ज़्यादातर लोग स्किप करवाते हैं और ज़्यादातर बच्चे भी स्किप करके जाते हैं, तो हम लोग को वो भी सीखना है। तो धीरे धीरे करके हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और बहुत अच्छे से कंटेंट आप लोगों को मिल पाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि पैरेलल आरएलसी पैरेलल आरसी सर्किट के लिए हम फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये आर है, इस बार पैरेलल में लगा है कैपेसिटेंस सी, यहाँ पर टोटल सप्लाई वोल्टेज वी, करंट आई, ये लिया है आईसी और ये लिया है आईआर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कैसे हम लोग वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर एक छोटा मोटा हम लोग न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। तो 0 डिग्री रेफरेंस लीजिए, रेफरेंस पर पैरेलल में वोल्टेज को लेंगे तो अच्छा रहेगा,
अब देखिए आईआर बच्चों करंट है हमारा रजिस्टर के क्रॉस में, तो करंट को हमने इसी लाइन पर रखना है जिस दिशा में हमारी वोल्टेज है, क्यों रजिस्टर के केस में जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट है। अब देखिए बेटा करंट आईसी किसके अक्रॉस में करंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट 90 डिग्री आगे होता है। तो हमने यहाँ से करंट को 90 डिग्री आगे बनाया, हमने यहाँ देखा आई, एंगल हो गया हमारा फाई। तो देखिए यही हम लोग को जो बेसिक हम लोगों ने ऑलरेडी सर्किट एनालिसिस में पढ़ा है कि रजिस्टर के अक्रॉस में जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट 90 डिग्री आगे होगा ये लिया है हम लोगों ने, और इंडक्टर केस में 90 डिग्री पीछे होगा उससे पहले वाले केस में हम लोगों ने लिया है। तो देखिए बेसिक यहीं पर है, जो पूरे फेजर डायग्राम की जड़ें हैं ये यहीं पर है। तो फिर हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया बेटा, आर सी यहाँ पर वोल्टेज वी, करंट आई, यहाँ पर ये दिया गया है 5 एम्पियर, हम लोगों को IR चलिए बताना है, और टोटल करंट I हम लोगों को रफली वैल्यू मैंने ले लिया है 6 एम्पियर दिया है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कभी भी आप जल्दबाजी में जवाब ना दें, आप कभी भी ये ना कहें कि 6 इधर से आ रहा है 5 और IR भी हमारा 6 होगा तो IR का वैल्यू आप 6-5 कर बैठे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको फेजर डायग्राम बेटा ड्रॉ करना है, 0 डिग्री रेफरेंस यहाँ पर वोल्टेज, ये IR आपको कैलकुलेट करना है, 5 हमारा कहाँ पर है ये 5 है, ये कहाँ पर है हमारा ये 6 हमारा ये है। तो देखिए IR हम लोग लिखेंगे IR बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को अंडर रूट 11 एम्पियर। तो देखिए बेसिक चीज़ों को आप समझने का बस कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल RLC सर्किट। तो देखिए पैरेलल RLC सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये तीनों सप्लाई वोल्टेज V के साथ में पैरेलल में कनेक्ट है, यहाँ से टोटल करंट I है, इसमें बेटा करंट IC गया है, इसमें करंट IL गया है और इसमें करंट IR गया है। देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल हो या सीरीज सर्किट हो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ज़्यादातर डिप्लोमा वाले बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं। चलिए जी तो इसके लिए देखते हैं हम लोग, प्रोसीजर हमारा यही सेम है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ से पता है कि IR किस किस का वेक्टर सम होगा बच्चों, IR, IL और IC का वेक्टर सम। अब देखिए यही काम करना है, 0 डिग्री रेफरेंस लिया, वोल्टेज हम लोगों ने रेफरेंस पर लिया, पैरेलल सर्किट है। देखिए IR रजिस्टर के क्रॉस में करंट है, तो जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में करंट होगा, तो हमने ले लिया IR हमारा ये है। चलिए IL हमारा इंडक्टर के क्रॉस में करंट है, तो IL हमारा 90 डिग्री पीछे होता है, IL हमारा ये है। इसके बाद में देखिए IC हमारा कैपेसिटर के क्रॉस में करंट है, तो यहाँ से IC हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। तो देखिए बेटा फर्स्ट केस जो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, IC और IL फेज अपोजिशन में है, 180 डिग्री फेज अपोजिशन है, यानी कि जितना ये ऊपर है ये कुछ नीचे है। तो फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं कि IC और IL का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो देखिए ये IC से IL हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो सर्किट में बचेगा क्या, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो IR बराबर क्या मिलेगा आपको, I मिल जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, और इसी कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन के साथ में। तो देखिए ये हमने देखा है फर्स्ट कंडीशन, हम लोग सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं जब IL ग्रेटर देन IC हो। चलिए वेक्टर डायग्राम बनाइए, 0 डिग्री रेफरेंस, वोल्टेज V, IR
आई सी और ये यहाँ पर आई एल। तो इस बार आपने आई एल ग्रेटर देन आई सी लिया है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा आई एल माइनस आई सी। आप लाइन को मिला दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल करंट आई एंगल फाइव। चलिए जी, थर्ड कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि आई सी ग्रेटर देन आई एल। चलिए सेम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज भी आई आर हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। आई सी बच्चों ये है और आई एल ये है, तो इस बार हम लोगों को मिल जाएगा आई सी माइनस आई एल। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा आई एंगल हमें मिल जाएगा फाइव। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने तीन अलग अलग कंडीशन को स्टडी किया है। आई एल बराबर आई सी है, आई एल ग्रेटर देन आई सी है और आई सी ग्रेटर देन आई एल है। तो देखिए यदि बच्चों आपने इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप आसानी से जवाब दे पाएंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के चक्कर में ना उलझें। तो इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बस आप ये करिएगा कि देखिए बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि आप मशीन की वीडियो अपलोड करिए, पावर सिस्टम की वीडियो अपलोड करिए, मेजरमेंट की वीडियो अपलोड करिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अपलोड करिए। तो देखिए इतना टाइम नहीं हो पाता है कि एक साथ मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो धीरे धीरे करके डेली रिकॉर्ड करने में एक दो वीडियो रिकॉर्ड हो पा रहा है, तो धीरे धीरे करके अलग अलग से वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी हम लोग एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के साथ में ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को हम लोग छोड़ दें, हाँ कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो हो सकता है कि आने में थोड़ा सा भी टाइम लग जाए, क्योंकि अभी जैसे कि हम लोगों ने डीसी एनालिसिस में केसीएल और केवीएल को पढ़ा है, उसके बाद में हम लोगों ने एक एक थ्योरम को हमने स्टडी किया है। अभी हम लोग एसी एनालिसिस को कर रहे हैं, एसी एनालिसिस में अभी हम लोग लेके आने वाले हैं एक लेक्चर, हम लोग लेके आएंगे पूरा का पूरा सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस पे, जहाँ से हर एक पेपर में सवाल रहता है। एक लेक्चर हम लेके आएंगे अलग अलग से वेवफॉर्म से, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और पीक फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए किसी तरह की कोई टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है, सारी वीडियो आपको ऑनलाइन मिलती रहेंगी। इसके बाद थ्री फेज सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक सर्किट है, तो सब वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि ट्रांजेंट को लीजिए, तो पहले एसएससी ट्रांजेंट को नहीं पूछ रहा था, लेकिन पिछले दो तीन सालों में ट्रांजेंट का एक एक दो दो सवाल बन रहा है, तो हम लोग उस पर भी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप रेगुलर वॉच करते रहिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी और बहुत जल्दी ही मैं पावर सिस्टम और मशीन की भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।